Dear children, let us begin with the concept of Wittig electric. Motor. इलेक्ट्रिक मोटर बेटे जो है बेसिकली इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में प्लेस कर देते हैं देन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है दैट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स बेटा. सो पहले स्टेटमेंट पार्ट इसका लिख लें. इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. प्रिंसिपल इसका क्या है. इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेटा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स बेटा ए मैग्नेटिक फोर्स. सो आइए थोड़ा मैं आपको और इसके बारे में बेटे गाइड कर दूं कि किस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है वर्क करता है और किस तरीके से हम इसकी वर्किंग को एज सच बेटा समझ भी सकते हैं. प्रिंसिपल में डायरेक्टली कहा गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपको ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. और वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है. वो फोर्स आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरीड बाई द कंडक्टर एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा. सो आप लोगों ने डायरेक्टली बेटे इस कंसेप्ट के बेसिस पे मोटर की वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है. और एक बात बड़ी और इम्पॉर्टेंट है बेटा. इलेक्ट्रिक मोटर जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इलेक्ट्रिक मोटर के केस में आप इवन अपने जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टॉयज हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लगा होता है बेटा. आप अगर उनकी एनर्जी की जो है कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफर होती है उसके बारे में सोचें अगर तो आप उसकी वर्किंग के लिए एक सेल या बैटरी अटैच करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर दैट की बैटरी धीरे धीरे कंज्यूम हो जाती है और इन द एंड आपको उसके बदले में रोटेशन ऑफ द मोटर मिल जाती है. सो इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेटा इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी. सो ये इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक जो है ये फंक्शन है और बेसिक प्रिंसिपल है और ये उसकी बेसिक कन्वर्शन है कि किस एनर्जी को किस एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करके आपको दे देता है. अब बेटे डियर चिल्ड्रन इस इलेक्ट्रिक मोटर की डिस्कशन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इसका जो सर्किट का सेटअप है कौन कौन से इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनको एक बार प्लॉट करें बनाएं और फिर हम बेटा इसको जो है ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. सो लेट अस हैव इट ए कंस्ट्रक्शन कैसी है इलेक्ट्रिक मोटर की एंड वर्किंग ये कैसे वर्क करेगा. लेट अस विट फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात करेंगे.
हमने एक बहुत ही बिटी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है ये मैनेज कर रखा है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और उसी मैग्नेट का साउथ पोल हमने इस तरफ ये ड्रॉ कर लिया। लेट इट बी द साउथ पोल ऑफ द सेम मैग्नेट बेटा। ये साउथ पोल हमने ड्रॉ किया है उसी मैग्नेट का। अब इस सिचुएशन में इसके बिल्कुल बेटा ये वाला जो रीजन आप मिडल वाला देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रिक आपका जो है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप जनरली बी वेक्टर से डिनोट करते हो और आप इसको बी कह देते हो। इसके बिल्कुल इंटीरियर वाले पोर्शन में इस पोर्शन में आपने एक आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल जनरली आपके कॉपर का या सिल्वर का बना हुआ वायर का एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट है जिसको आपने कुछ इस तरीके से बना रखा है और इसको बेटे आपने एक रिंग को तोड़कर दो पीसेस में ब्रेक करके मेटल के रिंग को मेटेलिक रिंग को इनको इस फ्री एंड्स को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर रखा है इन दिस मैनर। ये आपका स्प्लिट रिंग है बेटा, ये आपका आर्मेचर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड एस एच आपको इंडिकेट कर दिया है और आप इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटीरियर में दिस आर्मेचर कॉइल जो है इसको आपने प्लेस कर रखा है। एंड देन फाइनली यहाँ पर बेटे हमने इसके मिडल में बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में शाफ्ट मैनेज कर रखा है। दिस इज द शाफ्ट, ये आपका आर्मेचर कॉइल इस शाफ्ट के साथ ऐसे अटैच्ड रहता है। शाफ्ट इसके साथ आपने टाई कर रखा है, हुक कर रखा है, अटैच कर रखा है। जैसे जैसे आप इस पर्टिकुलर आर्मेचर कॉइल को करंट सप्लाई करोगे ये टर्न करेगा और टर्न करने पे ये शाफ्ट भी टर्न करेगा और शाफ्ट के फ्री एंड पे आपने पुली लगाई होती है और वो जो पुली है वो रोटेट करेगी। उस पुली की रोटेशन की वजह से आप उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपनी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए बच्चों यूज कर सकते हैं। सो आइए बेटे एक बार जरा डिटेल में इसका वर्किंग वगैरह समझें, किस तरीके से ये वर्क करेगा, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है एंड ऑल दैट। ये आपने कुछ इस तरीके से बेटे इस इलेक्ट्रिक मोटर का बच्चों सेटअप जो है ये मैनेज किया। लेट मी हैव द नेमिंग और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का एक बार नाम देख लें क्या है। ये आपका बेटे जो है ये मैग्नेट है, ये जो आपने नॉर्थ साउथ पोल्स दो इंडिकेट कर रखे थे और यहाँ पे इसका नाम आप ए बी सी डी रख दो। ये ए बी सी डी जो है ये आपका आर्मेचर कॉइल है, इस तरफ मैं इसको लिख देता हूं। आर्मेचर कॉइल या सिंपली कॉइल भी कह लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एंड सेकेंडली इसके बाद ये जो आप एक देख रहे हो पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका बेटे होता है कार्बन ब्रश। दिस इज अ कार्बन ब्रश, ये बिल्कुल आपके इस चौक के पीस की तरह होता है और ये जो दो सेमी सर्कल से आप देख रहे हो दिस इज द स्प्लिट रिंग, मेटल का रिंग। जैसे बेटे हमारे हाथ में भी जनरली रिंग होता है कुछ इस तरीके से, इस रिंग के आपने दो पीसेस जो हैं इनको दो पीसेस को अटैच करके दो पीसेस को रादर बनाकर उन दोनों पीसेस को यहाँ पे बेटे मैनेज कर रखा है विद दिस स्मॉल गैप इन बिटवीन। एंड फाइनली इसको सप्लाई देने के लिए आपने एक बैटरी अरेंज कर रखी है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दैट मे बी मैनेज्ड इन द डायरेक्ट मैनर एज सच। अब जब हम ये बैटरी अटैच कर देंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगा और ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस इस रिंग में और इस तरीके से ये अपना सर्किट कंप्लीट करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वहां तक पहुंच जाएगा बेटा।
सो डियर चिल्ड्रन, अगर मैं एक बार इसके मैग्नेटिक जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनका नाम एक बार देख लें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो आइए बेटे एक बार इन कंपोनेंट्स के बारे में भी जरा बात करके देखें। सबसे पहले था फील्ड मैग्नेट, जो आपने मैग्नेट ऑलरेडी लगा रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। सेकेंडली आपके पास आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल, इसका नाम आपने ए बी सी डी रखा हुआ है, ये बेसिकली कॉपर का ही होता है। देन इसके बाद थर्ड आपके पास पॉइंट है स्प्लिट रिंग, एक रिंग लेकर मेटल का उसके दो बराबर के पीसेस आपने कर लिए, उनको यहां पर अटैच कर दिया। देन फोर्थ पार्ट है कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस बेसिकली गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड फिफ्थ वन दिस इज विद अ शाफ्ट, ये वाला शाफ्ट है आपका, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो पुली इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल वर्क एज सच बेटा। अब आइए बच्चों इसकी वर्किंग एक बार समझें और हम देखें कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपका आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा और कैसे हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बच्चों यूज करेंगे। बिफोर दैट एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से सारे बच्चे, ये एक आपने फील्ड मैग्नेट लगा रखा है, फील्ड मैग्नेट ने इस हिस्से में इस इंटीरियर पार्ट में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आपने आर्मेचर कॉइल, एक कॉपर का बना हुआ वायर होता है जनरली ये, इसको ऐसे रेक्टेंगल की शेप में फोल्ड करके यहाँ पे मैनेज कर रखा है, और इसके लोअर एंड में आपने एक स्प्लिट रिंग रखा हुआ है, एक रिंग के दो हिस्से करके, मे बी आपका कॉपर का हो, मे बी आप सिल्वर का रिंग ले लें, मे बी कोई और अच्छा कंडक्टर ले लें। देन जैसे ये चौक है, इसके साथ कांटेक्ट में रख के आपने कार्बन ब्रशेस, ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है, आप मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द सेल और द बैटरी, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, सो दैट विल बिटे हार्डली मैटर बिटे। अब आइए बेटे इसकी वर्किंग की बात करके देखें हम किस तरीके से वर्किंग इसकी डिस्कस कर सकते हैं। सो वी हैव, लेट अस टेक इनटू अकाउंट द ए बी पार्ट ऑफ द आर्मेचर कॉइल बेटे। ए बी पार्ट आर्मेचर कॉइल का कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब आप इसमें से आई करंट पास करवा देते हो, आपने आई करंट सप्लाई किया ए बी, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये लेंथ है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपने एल कह दिया, ए से लेकर बी तक ये आप इमेजिन कर लीजिए एल के बराबर का लेंथ है आर्मेचर कॉइल का, और ये बी से लेकर सी तक आर्मेचर कॉइल का ब्रेड्थ है बेटा एस एच। ए बी पार्ट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, एंड द थंब दैट विल गिव अस द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर और द डायरेक्शन इन विच द कंडक्टर विल बी मूविंग इन द एंड। एक बार फिर से देखिएगा, लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, थंब फॉर द मैग्नेटिक फोर्स और द मोशन ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड आप इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली रखें। अब आइए ए बी पार्ट ऑफ द कंडक्टर, मेरा फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में ही है लेकिन करंट ए से बी की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको देखिएगा ऐसे टिल्ट कर देता हूं दिस वे। फर्स्ट फिंगर स्टिल फील्ड की डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड हो गया, और ये जो मेरा थंब है इट इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, और मैग्नेटिक फोर्स बच्चों हुआ कितना,
BIL sine of angle 90, it is equal to B into I into L. इतना मैग्नेटिक फोर्स आपके इस कंडक्टर पर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। सर बोर्ड थोड़ा राइट साइड कर दो, सॉरी कैमरा, कैमरा थोड़ा राइट साइड कर दो। ये वाली साइड देखनी कि वो वाली देखनी है? वो वाली सर, जब भी आप यहाँ। सो फोर्स आपके पास आ गया बी आई एल, और आप जब बी आई एल की बात करोगे बेटा, यहां से आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और अगर आगे चले हम सी डी पार्ट ऑफ द कंडक्टर के बारे में बात करें, दिस इज द सी डी पार्ट ऑफ द कंडक्टर। सी डी पार्ट ऑफ द कंडक्टर पर फिर से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, एंड द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में ही है, करंट सी से डी की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, और थंब इट इज पॉइंटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेट अस कैलकुलेट दिस फोर्स, इट इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट बी आई एल साइन 90 आपका वन होता है। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बराबर की फोर्सेस लग रही हैं, ए बी और सी डी पार्ट आपके आर्मेचर कॉइल का जो है इस पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बेटे बिल्कुल बराबर का है, और वो मैग्नीट्यूड बी इंटू आई इंटू एल के बराबर का है। अब ए बी इस पर अंदर की तरफ, सी डी पर बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, इट विल मीन दैट कि ए बी ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ पार्ट मूव करेगा, सी डी बाहर की तरफ मूव करेगा, और आपका आर्मेचर कॉइल जो है वो इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस, आई हैव वन डायरी विद मी। इस को अगर आप आर्मेचर कॉइल मान लें, ये ए बी है, ये सी डी है, ए बी ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ, सी डी बाहर की तरफ जब मूव करेगा तो ये इस तरीके से टर्न कर जाएगा, दिस ऐसे, और जब ये टर्निंग करना स्टार्ट कर देगा, आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए एक टॉर्क चाहिए होता है। टॉर्क वर्ड सुनकर घबराना नहीं है, टॉर्क इज नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। लीनियर मोशन में जिस चीज को आप फोर्स कहते हो, रोटेशनल मोशन में उसी चीज को आप टॉर्क कह देते हो, और जो टॉर्क है इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा इसके बीच में, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टॉर्क बन जाएगा। सो टॉर्क को बेटा ये लेटर होता है, ऐसे सी बनाकर ऊपर एक लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोल देते हैं टाओ, टी ए यू टाओ, टॉर्क। दिस इज इक्वल टू आइदर फोर्स, देखिए आपके पास एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों बराबर के ही हैं। इनके बीच में यहाँ पे देखना, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ब्रेथ ऑफ द कॉइल के बराबर का है, ये बी के बराबर आपने यहाँ पे लिख दिया। सो टॉर्क आपकी आर्मेचर कॉइल को टर्निंग इफेक्ट दे देगा, और होगा कितना, ये बी आई एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको एरिया दे देगा। सो डियर चिल्ड्रन, टॉर्क बन गया जी बी इंटू आई इंटू ए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर, कभी आपने किसी टेक्नीशियन को मोटर को ऑपरेट करते हुए खोल के उसको अगर उसके पार्ट्स की हम इंफॉर्मेशन चाहें तो जरूर देखा होगा, उसमें एक टर्न नहीं होता आर्मेचर कॉइल का, लेकिन बहुत बार वायर को वाइंड किया जाता है। और हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एन के बराबर टर्न्स हैं, ये टॉर्क एक टर्न पे लगा है, अगर एन टर्न्स होंगी इस कॉइल की, एन टर्न्स का बच्चों मतलब क्या है पहले ये भी समझिएगा। ये कॉइल है, आपने एक टर्न दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, इलेवेंथ, हंड्रेड,
1000 n, n बार आपने इसको वाइंड कर रखा है, सो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू n इनटू b इनटू i इनटू a, इतना टॉर्क आपके आर्मेचर कॉइल पर एक्ट करेगा। ये टॉर्क की वजह से आर्मेचर कॉइल आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो, इस शाफ्ट के यहाँ पर एक पुली लगाई होती है, और ये पुली जो है ये इस तरीके से टर्न करना स्टार्ट कर देगी दिस वे, और इसके ऊपर आप बाय मींस ऑफ बेल्ट्स ऐसे आप इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किसी और मशीन को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, ये आपका सारे का सारा इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप था, और अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक मोटर को हम यूज कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर को हम बेटा हमारे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टॉयज हैं इनमें यूज करते हैं, देन बेटे ब्लेंडर्स आपके जो है इनमें यूज करते हो आप, और फर्दर मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स को आप बेटे जितनी भी आपकी लिफ्ट करने के लिए मशीन्स वगैरह हैं उनमें भी आप इसको यूज करते हो, और इनके जो छोटे छोटे बेटे आपके फैंस लगे होते हैं उनमें भी इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, इनको यूज किया जाता है। सो आपकी जो डायरेक्ट करंट ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं इनके मल्टीपल यूजेस हैं, चाहे आप इनके साथ छोटा सा फैन चला लीजिए, चाहे आप किसी टॉय कार को चला लीजिए एट सच, या ब्लेंडर्स वगैरह मिक्सर्स वगैरह जो हैं उनमें आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ योर बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द डिस्कशन, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप बता सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए जी। सर अगर हम बैटरी का टर्मिनल चेंज कर देते हैं तो वो मोटर की रोटेशन भी चेंज हो जाती है, वो कैसे? बिल्कुल ठीक, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी बदल दोगे तो जो आपकी कॉइल ऐसे टर्न कर रही थी वो ऐसे टर्न करना स्टार्ट कर देगी, जस्ट बिकॉज आपने करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, उससे आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो भी बदल जाएगी, वो उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगी। वेरी राइट, गुड। और बेटा एनी चाइल्ड फ्रॉम योर साइड, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर के ऑपरेशन वर्किंग कंस्ट्रक्शन और अदरवाइज कोई आपको पॉइंट पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। डायग्राम में सर, हाँ जी सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी हम मोटर बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट से मोटर बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑपरेट करने के लिए फिर आपको बैटरी चाहिए होगी। एक बैटरी मोटर को ऑपरेट करने में यूज करोगे, बना सकते हैं। आपको तो मैग्नेट ही यहाँ पे देना है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या सिंपल प्लेन मैग्नेट हो, तो दैट इज मैनेजेबल। ऑल डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना रह जाए बेटा, कोई बात नहीं समझ आई तो यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों को समझ आ गया है तो बेटे बिफोर आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, मैं छोटी सी आपको बेटे यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि इस मोटर के ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है इसको एक बार खुद बनाकर देखना, ड्रॉ करके देखना, और जितना भी हमने काम किया है उसको एक बार सारा लिख के जरूर देखना। इन पार्ट्स के बारे में मैं जरूर एक मिनट लगाऊंगा। फील्ड मैग्नेट आपका जनरली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है बेटा। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का एक ही फंक्शन होता है कि इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दे। देन आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी आपका जो इन द मिडल पार्ट ऑफ दिस मैग्नेट, ये जो रीजन है इसमें एक आप कॉपर का बना हुआ या अल्मीनियम का बना हुआ या सिल्वर का बना हुआ गुड कंडक्टर चाहिए उसका बना हुआ कॉइल यूज कर लेते हैं। और जनरली मार्केट में जो मोटर्स अवेलेबल हैं बेटा, इन मोटर्स में जनरली बेटा अल्मीनियम यूज हुआ होता है। कॉपर वाली जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटर्स होती हैं वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू द अल्मीनियम कॉस्टली होती है, उनकी कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है,
बिकॉज कॉपर जो है इन कंपैरिजन टू द अल्मीनियम एक प्रेशियस मेटल है, सिल्वर यूज नहीं करते हैं फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। एंड देन आपके पास है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग अल्मीनियम का या कोई और अच्छे कंडक्टर का एक रिंग, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके बराबर उसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, दैट इज स्प्लिट रिंग। कार्बन ब्रश क्या है, जैसे ये चौक का पीस है, जब ये आपका रिंग जो है रोटेट करेगा अलोंग विद द आर्मेचर कॉइल, इसके साथ ऐसे यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में होता है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश जो है ये आपके सप्लाई और आपके रिंग के बीच में एक गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपके रिंग ने तो बेटे जब आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है रिंग के साथ, आपका अपर पार्ट आर्मेचर कॉइल का रोटेट हो रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम बेटा आपका जो कार्बन का ये ब्रश है ये धीरे 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 यूज अप हो जाता है और हमें फिर बेटे इनको नए पार्ट्स जो है वो डालने पड़ जाते हैं, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। हाँ जी बेटे, करंट शाफ्ट में नहीं जाता? नो नो नो, शाफ्ट में करंट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। शाफ्ट जो है ये इससे बेटे आपने इंसुलेट करके रखी हुई है, शाफ्ट के ऊपर ये सारी आर्मेचर कॉइल आपने फिक्स कर रखी है। ये मान लो मेरा हैंड आर्मेचर कॉइल है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ फिक्स है। जब आर्मेचर कॉइल ऐसे टर्न करेगी तो शाफ्ट भी इस तरीके से रोटेट करेगी, दिस वे, जैसे मेरा फिंगर रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर पुली लगा रहता है, पुली के साथ आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। नो वे, इन नो वे इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन टू द शाफ्ट, शाफ्ट सिर्फ उसको रोटेट करने का एक बेटा मोड है, उसकी रोटेशन को यूज करने का। तो शाफ्ट इसके साथ आप इसको अटैच करके रखते हैं ताकि जब आपका कॉइल टर्न हो शाफ्ट भी टर्न हो जाए, और जब शाफ्ट टर्न होगा तो ऑब्वियसली बेटे आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकेंगे। सो आई होप नाउ दैट कि एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल बेटा। फिर भी किसी भी चाइल्ड को कोई दिक्कत है तो बताइए। यस बेटे, सर आरपीएम बढ़ाने के लिए, आरपीएम बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाना पड़ेगा? RPM revolutions per minute बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आपके इसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करे। ज्यादा फोर्स के लिए आपका फोर्स करंट पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर लो या करंट को इंक्रीज कर लो तो उसके हिसाब से आपका RPM बढ़ जाएगा। राइट बेटे? ओके सर। एनी अदर पॉइंट बेटा? ओके, गुड नाइट बेटा। तो इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। आइए इसके बारे में बात करें, वन बाय वन इन चीजों को भी डिस्कस करें। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डियर चिल्ड्रन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई विल स्विच ओवर टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस बेटा, ये फिर बाद में देखते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है बच्चों, बेसिकली इसको बेटे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है कि जो करंट आपने प्रोड्यूस किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने करंट को जो प्रोड्यूस किया है उसकी डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। इसकी डिटेल क्या है, आप अपने राइट हैंड को होल्ड करेंगे, इसमें फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम प्लेस कर देते हैं,
जो थम है इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, या आप इसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। देन आपका बेटी जो सेंट्रल फिंगर है इट विल गिव यू द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट बेटी। लेकिन यहां पे पॉइंट कौन सा आपने अपने माइंड में रखना है, प्रोवाइडेड ये और ये दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनको रखना है, तब आपका जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन के लिए आप ये वाला रूल जो है ये यूज कर सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन आइए आपको एक बार मैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए ये रूल अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। वी विल होल्ड अवर राइट हैंड, इस राइट हैंड में पहला फिंगर सेंट्रल फिंगर के साथ वाला जो है बिल्कुल पहले वाला, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए होता है। एंड द थंब इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एंड द सेंट्रल फिंगर वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एज सच। आइए देखें बेटा ये आपका सर इंड्यूस्ड करंट कौन सा होता है। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, जो इंड्यूस हुआ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो करंट पैदा हो गया आपके मैकेनिकल एनर्जी की कॉस्ट पे, आपने अपने क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई, उसकी वजह से करंट पैदा हो गया, जो करंट पैदा हुआ दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। इसमें एंड रिजल्ट आपका करंट है, एन नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके बीच में आपने ये कंडक्टर एक जो है इसको बीच में से पास करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जरा समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये मेरा है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, ये मेरा एक कंडक्टर था मैंने इसके बीच में से ऐसे निकाल दिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दो आपके पास फील्ड दो पोल्स मैग्नेट के, ये फील्ड ऐसे हो जाएगा इस रीजन में, आपने एक कंडक्टर लेकर इसको बीच में से ऐसे निकाल दिया। लेट अस ट्राई टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वी होल्ड अवर राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, फील्ड इसकी डायरेक्शन में है और ये कंडक्टर आपने ऐसे पास करवाया था, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, द थंब इसको मैं अंदर की तरफ कर रहा हूं, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इन बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट, और ये फिंगर नीचे की तरफ इंडिकेट कर देती है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। सो इस केस में अगर आप इस कंडक्टर को इनवर्ड मूव करवा रहे हैं देन द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको आप बेटे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक बार करके देखिए, चेक करके देखिए, आप अपनी नोटबुक के ऊपर दो पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट रखिए, कंडक्टर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा दीजिए, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, ये मोशन आ जाएगा करंट इस तरीके से टुवर्ड्स द रीडर आ जाएगा, आप करके देखिए और मुझे बताइए समझ आ गया है। देन आई विल बी मूविंग अहेड विद द न्यू पॉइंट्स। यस विद ऑल ऑफ यू, यस डियर चिल्ड्रन, वेरी नाइस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। इलेक्ट्रिक मोटर को ध्यान से पढ़ना है, ये रूल एक बार ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कल मतलब नेक्स्ट पीरियड जब भी हमारा होगा वी विल फिनिश दैट मीटिंग। सो डियर चिल्ड्रन विद दिस आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर। थैंक यू ऑल बेटा।